स्कूल के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास टू का साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। साइंस का चैप्टर है मेरा प्लांट्स अराउंड अस, पौधे हमारे चारों तरफ, उनको हम पढ़ाने जा रहे हैं। वी सी डिफरेंट्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ब्रीथ एंड ग्रो एंड लर्न। तो पौधे हमारे चारों तरफ है, हम लोग देखते हैं चारों तरफ, वो पौधे सांस भी लेते हैं, जीवित हैं और जमीन पे उगते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से। पहला है रूट, जो जमीन के अंदर, पौधे की जमीन के अंदर रहता है। दूसरा है स्टेम, जो जड़ से थोड़ा ऊपर होता है। बड, बड मतलब होता है कली, और कली से फूल तैयार होता है, इसलिए ये भी पौधे के एक विभिन्न भाग है। ब्रांच, ब्रांच होता है शाखा, जो पेड़ और तने रूट के बीच में होता है। फ्लावर, फूल, फ्रूट, और फूल से ही फल लगते हैं। तो पौधे के जो विभिन्न पार्ट्स है, ये आप लोग को हम बताएं। अब इन पार्टों को अगले लेक्चर में हम एक पेड़ के माध्यम से, एक ट्री के माध्यम से आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट को दर्शाएंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधे कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम ट्री के बारे में बताएंगे। ट्री के पेड़ किसको कहते हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट, जो पौधे मोटे और बड़े और मजबूत होते हैं, उन्हें ट्री बोलते हैं। जैसे आपको मैंगो, उदाहरण मैंगो का पेड़ जो होता है, वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा और उसका जो शाखा होता है तो मोटा होता है। दूसरा है सर, सर यानी झाड़ीदार पौधा, जो ट्री से थोड़ा छोटा होता है। तो इस तरह के पौधे के तने जो होते हैं, स्टेम जो होते हैं, थोड़े पतले होते हैं लेकिन थोड़े मजबूत होते हैं। इनमें हम इनके पौधे, इन्हें हम छोटे पौधे कहते हैं, ट्री से थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए इन पौधों में रोज का पौधा, जैसे गुलाब का पौधा, आप लोग देखे होंगे कि गुलाब के पौधे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, लेकिन उनके स्टेम जो होते हैं थोड़े मजबूत होते हैं। हर, हर मतलब झाड़ीदार पौधे, ये हर का पौधा जो सर के पौधे से थोड़ा छोटा होता है, तो इसको हम छोटा झाड़ीदार पौधा भी बोलते हैं। इसके पौधे, इसके पत्ते जो होते हैं सॉफ्ट एंड ग्रीन, यानी मुलायम और हरे भी होते हैं। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि तुलसी का पौधा, नीम का पौधा जो होता है, वो औषधिदार भी होता है और उसके पत्ते जो होते हैं मुलायम भी होते हैं। दिस इज कॉल्ड मेडिसिनल प्लांट, इसको बोलते हैं औषधिदार यानी दवाई वाला पौधा। क्लाइंबर, क्लाइंबर मतलब कि लतादार। इन लतादार पौधे, जैसे किसी इसको सहारे की आवश्यकता है, ये खुद नहीं बढ़ते, इन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है, इन्हें किसी बिना सहारे के ये पौधे आगे ऊपर नहीं बढ़ते हैं। तो इनको हम बांध के रस्सी के सहारे किसी छप्पर पर या लकड़ी गाड़कर, स्ट्रेट सीधा लकड़ी गाड़कर उसको जमीन में उसके सहारे उसको हम कर, जैसे मटर का पौधा पी और मनी प्लांट का पौधा, मनी प्लांट का पौधा जो है इसको खींच के हम ऊपर सहारे के ऊपर ले जाते हैं। अंत में हम क्रीपर, क्रीपर यानी लतादार पौधा, दे एलोंग द ग्राउंड, इन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वयं ही अपने से जमीन में ऊपर फैलते हैं। जैसे आप वाटरमेलन, जैसे आप वाटरमेलन का पौधा देखे होंगे, वाटरमेलन का पौधा आप देखे होंगे
इनका जो फल होता है भारी होता है और यह जमीन में स्वयं अकेले ही फैलते हैं, ना कि इन्हें किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह पंपकिन कोहड़ा का पौधा भी है, जमीन में अकेले ही फैलता है, ना इन्हें सपोर्ट की सहारा, क्योंकि इनके फल बहुत भारी होते हैं, इसलिए इनके इस तरह के पौधों को हम लतादार पौधे कहते हैं, क्योंकि इनका लता पतला होता है, भी कमजोर होता है और अलोंग द ग्राउंड जमीन में अकेले ही फैलते हैं। अब अगले चैप्टर अगले वीडियो में आप लोग को हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में अच्छी तरह आप लोग को बताएंगे।